we are going to discuss a very interesting numerical. A wire of 10 ohm resistance is stretched to thrice its original length. What will be its resistivity and new resistance? एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, जब उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 3 टाइम्स किया जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और नया रेजिस्टेंस कितना होगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, चाहे आप लेंथ बढ़ाएं चाहे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करें, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। चाहे आप लेंथ इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी चेंज होगी जब मटेरियल चेंज होगा। So take care about this thing, resistivity remains unchanged. Length को जब आप stretch करेंगे तो length तो increase होगी लेकिन area decrease हो जाएगा। So take care about this thing, length को 3 times कर दिया है तो L dash कितना हो जाएगा, 3L। तो stretch करने पे length increase होगी तो area decrease हो जाएगा। So A dash equals to A upon 3, L dash equals to 3L हो जाएगा और A dash equals to A upon 3 हो जाएगा। लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज होगी स्ट्रेच करने से तो एरिया 1/3 हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। तो लेंथ 3 टाइम्स हो गई है, एरिया 1/3 हो गया है, आर का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। अब रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा तो आर डैश कितना हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश की जगह क्या रख देंगे, 3L, और ए डैश की जगह क्या रखेंगे, ए अपॉन 3। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। लेंथ कितनी हो गई थी, 3L हो गई थी, एरिया कितना हो गया था, 1/3 हो गया था, ठीक है। तो R का फॉर्मूला लिखा आपने रो एल अपॉन ए, जिसकी वैल्यू 10 ओम दे रखी है। अब लेंथ को 3 टाइम्स किया गया है तो एरिया अपने आप 1/3 हो जाएगा, ठीक है। R डैश का फॉर्मूला लगाएंगे आप, रो एल डैश अपॉन ए डैश, जहाँ पे एल डैश की जगह क्या रखेंगे, 3L, और ए डैश की जगह क्या रखेंगे, ए अपॉन 3। 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 रो एल अपॉन ए, 9 रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे, R, और R की वैल्यू कितनी है, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 ओम आंसर आ जाएगा। How will you start this question? First, you will write L dash equals to 3L, A dash equals to A upon 3, फिर R का फॉर्मूला रखेंगे आप, रो एल अपॉन ए, जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 ओम। अब लेंथ 3 टाइम्स कर दिया गया है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो R डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो L डैश अपॉन A डैश हो जाएगा। L डैश की जगह आप क्या रख देंगे, 3L, और A डैश की जगह क्या रख देंगे, A upon 3। सो यू विल गेट R डैश इक्वल्स टू 9 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए की जगह वापस से R रख देंगे, R की वैल्यू 10 है, 10 9 जो 90 ओम। तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी लेकिन न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 90 ओम।